पृथ्वी तल से 2r दूरी पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण होगा। पृथ्वी तल से 2r दूरी पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण होगा। देखिए सरफेस से कहां जा रहे हैं अपन, 2r दूरी पर, तो देखिए सरफेस से 2r दूरी पर कितनी वैल्यू उड़ जाएगी, ये इसका सरफेस हो गया और इससे 2r हाइट पर जा रहे हैं अपन, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। h की जगह अपन कितना रख दे 2r, तो h की जगह अगर आप 2r रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी वाई, एच की जगह 2r रख दीजिए तो जी वाई 9 हो जाएगा, जी वाई 9। देखिए जी डैश बराबर जी, h की जगह 2r रख दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ गया जी वाई 9, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस हो गया। अरे पृथ्वी तल से वह गहराई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान जीवाई 4 हो जाएगा, द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीवाई 4। तो अपन को गहराई कैलकुलेट करना है, तो देखिए जी डैश इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। अब ग्रेविटी कितनी हो रही है यहां पर, जी बाय 4, तो ग्रेविटी हो गई जी बाय 4। कैलकुलेट क्या करना है, डेप्थ 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 3r/4। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी वाई फोर हाइट पर क्या आंसर आता है इसका, तो r, क्योंकि r हाइट पर जाती है तो जी वाई फोर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाने पर वेट 1% कम होता है, तो इतना ही डेप्थ में ले जाए तो वेट, तो अपन एक कॉन्सेप्ट याद किया था, अगर अपन 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो जी 1% कम होता है, तो 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे कहां वेट ज्यादा कम होता है, ऊपर या नीचे, ऊपर हाँ ऊपर भी जी कम होता है नीचे भी जी कम होता है, लेकिन ऊपर डबल कम हो रहा है, तो जी कितना हो जाएगा 0.5% डिक्रीज, तो ऊपर जाने पर भी जी नहीं बढ़ने जाएगा कम होगा, ठीक है, तो ऊपर जाने पर भी जी कम होता है नीचे जाने पर भी जी कम होता है। दो ग्रहों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, घनत्वों का अनुपात दिया है, जी का अनुपात पूछा है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, जी प्रोपोर्शनल आर रो, डायरेक्ट याद रखा करें जी प्रोपोर्शनल आर रो, लेकिन कभी एसके वेलोसिटी वगैरह पूछे तो वहां ध्यान रखना आर रूट रो, यहां पर जी प्रोपोर्शनल आर रो, रो क्या है डेंसिटी, कंप्लीट फॉर्मूला भी याद रखना, रो इज इक्वल टू 3g 4πrg, ये डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की डेंसिटी, तो g1 अपॉन g2 कितना करेंगे r1 अपॉन r2, g1 अपॉन g2 r1 अपॉन r2 इंटू ρ1 अपॉन ρ2, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3, डेंसिटी का रेशियो 3:2, कितना आ गया 1:1, तो
आंसर हो गया ए 1:2। विषुवत रेखा पर स्थित किसी वस्तु के भारहीन प्रतीत होने के लिए पृथ्वी की कोणीय चाल, व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ सो दैट बॉडी लाइंग ऑन इक्वेटर में अपीयर वेटलेसनेस। तो फॉर्मूला आपने देखा था, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो देखिए आपको पता है अर्थ पोल पर फ्लैट है, चपटी है, तो यहां पर जो जी की वैल्यू आई थी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा लिख दो, लैम्डा लिख दो, जो भी लिखो। यहां पर इक्वेटर पर इतनी आ जाएगी, थीटा जीरो हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि भाई इक्वेटर पर वेटलेसनेस होना है, भारहीन, तो वेटलेसनेस तो जीरो हो जाएगा, जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी अपॉन आर। जी की वैल्यू आपको याद है अप्रोक्सीमेटली 10, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 1/800, तो ओमेगा आ गया 1/800 रेडियन पर सेकेंड। अगर ऐसा हो जाता है अर्थ इस स्पीड से घूम ले, कई बार इसका ऐसा भी आंसर दे दिया जाता है 1.25 × 10⁻³ रेडियन डिवाइड, तो अगर अर्थ इस स्पीड से घूमती है 1/800 से, तो आप कहां वेटलेसनेस हो जाएंगे, इक्वेटर पर। देखो अपन अर्थ पर खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि अपने अंदर वेट है, अर्थ अपन को अट्रैक्ट कर रही है, यहां पर फिर आप खड़े रह पाएंगे क्या, नहीं, उड़ने लगेंगे, तो अर्थ पर उड़ने वाली स्थिति बन जाएगी कब, जब अर्थ इस स्पीड से घूमने लगे 1/800 रेडियन पर सेकेंड। और इसको चाहो तो आप ऐसे रिजल्ट याद रखना 1/800। चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार, इफ इट इज एज्यूम दैट द स्पाइनिंग मोशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन इक्वेटर। देखिए जो फॉर्मूला याद किया था अपन ने, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जब भी ओमेगा बढ़ेगा जी कम होगा, तो आपसे जैसे भी इंक्रीजेज शब्द आए आप आंसर उल्टा लगाएंगे, डिक्रीजेज। लेकिन अगर पोल शब्द आ जाए ध्रुव, हाँ ध्यान रखना पोल पर जी कितना होगा, जी रहेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो, तो पोल पर जी जी रहता है, अदरवाइज जब भी ओमेगा बढ़ेगा जी कम होगा, और ओमेगा कम होगा तो जी बढ़ेगा। इस पर एक क्वेश्चन आता है, अगर अर्थ रुक जाए तो रुकना भी कम होना ही होता है, ओमेगा जीरो तो जी बढ़ जाए, तो अपन क्या आंसर लगाएंगे, बढ़ जाता है, और अगर पोल पर कहा जाए तो ओमेगा पर डिपेंड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीजेज हो जाएगा इसका आंसर, उल्टा आंसर लगाना है, ओमेगा बढ़ेगा तो जी कम होगा, ओमेगा कम तो जी ज्यादा, तो यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगी, जी डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 1:2, देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 1:2 g1/g2, दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया है, g1/g2 पूछा है, तो फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा है जी का, gm/r² g =
इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी प्रोपोर्शनल एम अपॉन आर स्क्वायर। एम किसका मास है? मास ऑफ प्लैनेट। जी वन अपॉन जी टू एम वन अपॉन एम टू आर टू अपॉन आर इसका होल स्क्वायर हो गया। मास एच का रेशियो कितना दिया? दोनों ही 1/2 दिए, तो इसको 1/2 ठीक है और एक 2/1 हो जाएगा। एक 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा? 2:1। तो आंसर हो जाएगा 2:1। इसको सॉल्व कीजिए। ये 30 डिग्री अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी 30 तथा भूमध्य रेखा पर जी हो तो जी माइनस जी 30 डिग्री पर पूछा है। फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री पर कैलकुलेट करना है। 30 डिग्री पर जी को लिख लो जी 30 डिग्री पर जी को क्या लिख दो? जी जी माइनस जी 30 पूछा है। ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 30 की वैल्यू बताइए, उसका स्क्वायर भी करना है 3/4। तो 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर 1/2 मत लिख देना तो ये हो जाता, गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ग्रह की त्रिज्या आर तथा घनत्व रो है तो उसकी सतह से पलायन वेग, तो आप इसे एज ए रिजल्ट भी याद रखें जी प्रोपोर्शनल आर रो। तो लेकिन एस्केप वेलोसिटी ये जैसे अपन ने जी प्रोपोर्शनल आर रो आर रूट रो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, एस्केप वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट टू टाइम्स होती है। तो एस्केप वेलोसिटी बी जीरो की वैल्यू कितनी होती है? रूट टू जी एम बाय आर। रूट टू मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व और वॉल्यूम कितना है? गोले का आयतन कितना लोगे? 4/3 πr³। और डेंसिटी को रो से लिखना क्योंकि डी से अपन डेप्थ लिख चुके हैं, गहराई लिख चुके हैं। ये देखो ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो एक आर बाहर आ जाएगा। आर बाहर कर दीजिए, आर रूट के अंदर देखिए 4/8 π g ρ। 8/3 π g क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आर रूट ρ। कई बार ऑप्शन आपको इतना ये भी मिलेगा तो इसको भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखना आर बाहर होगा रो अंदर। और जी में ध्यान रखना जी प्रोपोर्शनल आर रो, एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आर रूट रो। तो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आर रूट रो। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग और इसका द्रव्यमान 1/80। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण मास 1/4 टाइम्स है, मास 1/80 टाइम्स है और रेडियस 1/4 टाइम्स है। देखो कई ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अपन को मून पर याद है कि g/6 होता है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर g/6 नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि इन्होंने मास को चेंज कर दिया, वहां मास है 1/81 टाइम्स, इन्होंने 1/80 टाइम्स कर दिया, रेडियस वहां 1/3.5 है 1/4, तो अपना आंसर बदल जाएगा। आपने जी और जी में रिलेशन पढ़ रखा है, जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर जी प्रोपोर्शनल, एम और आर चेंज हो रहा है, ध्यान रखना ए एम मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ ये एम क्या है, जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, तो यहां प्लैनेट का मास चेंज हो रहा है, अगर मून पर जा रहे हैं तो मून का मास हो गया, तो जी प्रोपोर्शनल को बदल दिया करो क्रॉस में, मास कितना हो रहा है 1/80 टाइम्स और रेडियस 1/4 तो 1/16 जी वाई उस गहराई डी का मान जहां गुरुत्वीकरण का मान सतह के मान का 1/n हो जाता है, बताइए क्या आंसर आया इसका, ये आ गया सॉल्व कर लिया कि याद है, देखिए जी हो रहा है 1/2 तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, और जी कितना हो रहा है जी वाई एन 1/n टाइम्स हो रहा है 1 - d/n, देखिए बात रख 1/n इज इक्वल टू 1 - d/r, तो d/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ 1 - 1/n d/r 1 - 1/n, तो d इज इक्वल टू n - 1/n इंटू आर, तो ये वो डेप्थ है जहां पर जी 1/n, देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी g/4 कभी g/2, तो ये कितना हो रहा है 1/n। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन सी लेवल एट द टॉप ऑफ माउंटेन आर w1 w2 w3, किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु के भार w1 w2 w3 है, तो इनमें रिलेशन, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, देखिए भाई आपको पता है सबसे चाहे ऊपर जाए तो जी कम हो जाता है, आपको याद है 32 किलोमीटर ऊपर गए थे जी 1% कम हुआ था, 32 किलोमीटर नीचे जाओगे 0.5% कम, ऊपर भी जी कम हो रहा है नीचे भी जी कम हो रहा है, सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा, और जैसा जी वैसा डब्लू, तो रिलेशन आ जाएगा w1 भी कम होगा w3 भी कम होगा w2 ज्यादा होगा, सरफेस पर w ज्यादा होगा, बताइए ज्यादा कम कौन सा होगा, हाइट वाला या डेप्थ वाला, हाइट वाला, हाइट के साथ डबल डिक्रीज होता है, तो w1 W3 दोनों कम है, W2 चूंक सरफेस पर है वो ज्यादा, इनकी जगह G1 G2 G3 भी दिए जा सकते हैं, एक जगह कभी कभी इधर उल्टा भी आ सकता है, उल्टा समुद्र आ गया, हां वो तो देखो नंबरिंग में तो आपको पता है W1 W2 आपको ये पता है ना सी लेवल पर ज्यादा है, अब जी एट द लैटिट्यूड लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री विल बी, अक्षांश लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री पर जी का प्रभावी मान कौन सा आंसर हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू, एक अपन ने अभी इसका 30 डिग्री वाला क्वेश्चन भी किया था, कॉस स्क्वायर 30 की जगह अब क्या हो गया 60, तो जी माइनस कॉस 60 कितना हो जाएगा, तो जी माइनस 1/4 ओमेगा स्क्वायर आर, तो जी माइनस 1/4 ओमेगा स्क्वायर आर,
गुरुत्वी त्वरण का मान सतह के मान का 25% रह जाएगा। तो इसके लिए आपको याद है, आप सॉल्व भी कर लीजिए। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला जी डैश इक्वल टू जी वन प्लस एच अपॉन आर। देखो एक तो आपको एज ए रिजल्ट भी याद रखना, एच इज इक्वल टू आर पर जी। देखो एच की जगह रख दो जी वाई फोर, जी वाई फोर कितना होता है? 25। और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। हमने आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया था। परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनिशियल कितना मानेंगे? 100। इसको 100 मान लीजिए और बाद में ये कितना रहेगा? 25। 100 मानने का फायदा ये रहता है कि आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होती। वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एच अपॉन आर ये हो गया 2। रूट ले लेते 25 से चार बार चलेगा था, चार बार कैंसिल कर दो। वन प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू 2, तो एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और एज ए रिजल्ट भी याद रखना, आर बार आर बाई 4 जल्दी में आंसर पर टिक कर देना, क्योंकि 25% जैसे ही दिखता है अपन को, अपन कोशिश करते हैं कि 1/4 टाइप आंसर लगा दें, तो 1/4 नहीं होगा यह। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का कोणीय वेग दोगुना कर दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव पर जी का मान, एंगुलर स्पीड को डबल कर रहे हैं लेकिन जी की वैल्यू पूछ कर रहे हैं वो पोल पर। देखो आपने पढ़ रखा है कि कहीं पर भी जी की वैल्यू पूछ ले, अगर ओमेगा बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, जी कम होगा, लेकिन पोल के अलावा, क्योंकि पोल पर क्या होता है? एट पोल थीटा इज इक्वल टू 90। तो पोल पर जी डैश इज इक्वल टू जी आता है, जी क्या ओमेगा पर डिपेंड नहीं। तो अगर आप पोल पर हैं तो चाहे अर्थ स्लो रोटेट हो फास्ट रोटेट हो, स्पीड डबल हो जाए रुक जाए, जी पर या वेट पर कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन पोल के अलावा आप कहीं पर भी हैं, जी में अंतर आएगा। ओमेगा बढ़ेगा तो जी कम होगा, ओमेगा कम होगा तो जी ज्यादा होगा, लेकिन पोल पर जी सेम रहेगा, रिमेन सेम। तो पोल पर जी अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स। अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल। देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद किया करो, पीई पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2KE 2E। ये फॉर्मूला जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वैसे ही प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो दोनों ही जगह ये फॉर्मूला काम आएगा। हमने रदरफोर्ड मॉडल में भी ये फॉर्मूला आपको बताया है। तो यहां पर क्या पूछा गया है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताइए कितना हो जाएगा? -1/2। इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के लिए भी आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो अपन स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो पी बराबर -2KE = 2ET। वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो, या सैटेलाइट आ जाए या प्लैनेट सन के चारों तरफ आ जाए,
तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप इसको याद रखना, P बराबर माइनस टू के ई बराबर टू ई टोटल, ई टोटल कुल ऊर्जा है, के ई काइनेटिक एनर्जी और P पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, द एस्केप वेलोसिटी ऑन अ सर्टेन प्लेनेट इज टू, देन द ऑर्बिटल स्पीड। तो देखिए आपको एस्केप वेलोसिटी दी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी है। तो अपन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन जानते हैं। एस्केप वेलोसिटी होती है रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, ये होती है एस्केप वेलोसिटी रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। आपको एस्केप वेलोसिटी गिवन है टू, तो ये कितना आ जाएगा, टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख लेना, रूट टू किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट टू गुना होती है, पलायन वेग कक्षीय वेग का रूट टू गुना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, यह त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 6% तक आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे अगर 1% कम किया जाए, 2% ए आर को कम, सबसे पहले हम जी के बारे में बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बात करें, एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करें और टाइम पीरियड के बारे में। अगर आर 1% कम होगा, ये डायरेक्ट वाला मेथड आप 6% तक ही अप्लाई करें, अगर आर 1% कम होगा तो 1 × 2 = 2% स्क्वायर नहीं कर रहे, पावर का मल्टीप्लाई करते हैं और ये पावर का मल्टीप्लाई 6% तक होगा, 2 × 2 स्क्वायर नहीं है, 4%, ये जी बढ़ गया, आर कम जी ज्यादा, आर ज्यादा हो तो जी कम, अर्थ श्रिंक हो गई आर कम हो गया, पृथ्वी सिकुड़ गई आर कम हो गया। इसको देखिए आर से कैसा रिलेशन है, इसका जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर रूट आर, तो आर कितना दिया 1%, इसकी पावर देखिए 1/2.5% आर कम तो ये ज्यादा, जैसा ऑर्बिटल स्पीड वैसा एस्केप स्पीड। इसमें देखिए पी प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2 × 1 कितना इंक्रीमेंट हुआ 1.5%, ये डिक्रीज, जैसा आर वैसा टी, और टी स्पीड का उल्टा होता, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम। अगला क्वेश्चन दे, अगला पॉइंट देखिए 2% ही, इसको देखिए बताइए ऑर्बिटल स्पीड 2% में पावर का मल्टीप्लाई कीजिए 1% और शब्द क्या लिखेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, आर का क्या हो रहा है कम, तो ए इंक्रीज, उल्टा रिलेशन है इंक्रीज, ये भी बिल्कुल सेम, लेकिन ये टी और आर प्रोपोर्शनल का रिलेशन है क्योंकि स्पीड का टाइम से उल्टा रिलेशन होता है। आर कितना दिया है 2%, जैसा आर वैसा टी, और 3/2 कितना आया 3% डिक्रीज, आर कम तो टी भी कम। लेकिन आपको यह पूछा है स्पीड के बारे में, तो 0.5% क्या हो रहा है, रेडियस कम हो रही है, जनरल रेडियस कम ही आती है, 0.5% इंक्रीजेज। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला रूट जीएम बाई आर, आर कम होगा तो ऑर्बिटल स्पीड बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, पावर का गुणा करो।
और ये बेसिक फॉर्मूले सबके याद रखना, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऑर्बिटल स्पीड एस के रूट टू टाइम्स टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू। ये भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी केंद्र से दूरी, द डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर, तो अपन ने याद किया था सेंटर सेवन आर, सेंटर सेवन शब्द आ रहा है सेवन आर। देखिए आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जानते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते थे, इसकी हाइट सरफेस से लगभग सिक्स आर, आर को अगर 6000 कहते हैं तो 36000 किलोमीटर लगभग। लेकिन अगर ये सेंटर से पूछते हैं तो सेंटर सेवन फ्रॉम सेंटर केंद्र से और सिक्स आर सरफेस, तो आप सरफेस बोलेंगे तो सिक्स आर बन जाएगा, सेंटर से सेवन आर, सेंटर से याद रखो सरफेस से 36000, 3600 नहीं है 36000, सिक्स आर। T1 अपॉन T2 3/2 कर दे 13/12, तो ये 10 बचेगा, पहले 10 का क्यूब कर लेना फिर रूट ले लेना, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, रूट लेंगे 10 रूट, तो 10 रूट 10 अपॉन 1, तो T स्क्वायर प्रोपोर्शनल R क्यूब।